व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? आज दिन में मैं एक बार, कल भी मैं दिन में एक बार आया था, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। एंड इंस्टाग्राम इज सीइंग दैट यू आर टेलिंग योर फॉलोअर्स दैट यू हैव स्टार्टेड अ लाइव वीडियो, प्लीज बताइए। ओके, सो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव जॉइंड अस, मैं नाम ले लेता हूँ कुछ लोगों का। अच्छा, सब लोगों ने, अच्छा ये अंधेरे में लाइव नहीं है। जितने लोगों को कन्फ्यूजन है, मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ, ये अंधेरे में लाइव नहीं है। अंधेरे में लाइव में मैं नहीं दिखता हूँ, है ना? तो जितने भी लोग नए जुड़े हैं उनको बता देता हूँ कि अंधेरे में लाइव क्या है। हम लोग अंधेरे में बातें करते हैं, आप लोगों को ऐड करते हैं, मस्ती करते हैं, मजा करते हैं। सो ईशा, आई हेट यू, आपने मुझे ब्रो बोल दिया। जो मुझे ब्रो बोलेगा मैं उसको, चलो आई डोंट, मतलब मुझे आपसे, अरे सर बिग फैन, थैंक यू। अरे मानसी, सिर्फ आपको पता नहीं है मानसी कौन है, तो मानसी मतलब आप बहुत बड़ी टिकटॉकर है मानसी, बताऊं आप जाके ना परेशान करना, MANASI1234 जाके परेशान, बहुत सारे फोटोज वीडियोज सब शेयर करते रहना। ओके, सो वी आर गोइंग लाइव विद जैज, लेट मी सी इफ ही इज हियर और नॉट। यार मेरे को ना एक तो, ओके ही इज हियर यार। इट्स मोहित, हाय मोहित, व्हाट्स अप, हाय सिमरन, व्हाट्सअप व्हाट्सअप, इसे सबके मैं नाम लूं क्या? चलो कोई नहीं। हाय, कैसे हैं भाई आप? कैसे हैं? व्हाट्सअप, मैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे हो? मैं एकदम यार आपके जैसे बाल करना चाहता हूँ यार, मतलब ये जो आपके बाल स्टार बॉय कैसे करूं मेरे, बस यहाँ से थोड़े से और बड़े होने चाहिए। अरे मेरे को लाइव आ रहा था इसलिए सेट किया, नहीं तो मैं दिन भर टोपी पहना था तो पूरा ऐसे जम गया था पूरा हेयर, तो अभी मैं सोचा थोड़ा सेट कर लूं तो अच्छा लगूंगा जरा थोड़ा। अच्छा तो आप, अरे कमाल की माशाल्लाह, क्या बॉडी बना रखी है आपने। अरे शुक्रिया शुक्रिया, बट अभी तो थोड़ा मतलब अभी थोड़ी लोग है लॉकडाउन में, बट कोई ना यार, मतलब इसके बाद आएंगे तो और अच्छे से बन के आएंगे, मतलब लॉकडाउन जिम स्टार्ट होने के बाद तो ज्यादा आएंगे और अच्छा। घर पे तो जिम सही से हो रहा नहीं है, सिर्फ पुशअप्स एंड जो भी अपना पुलअप्स है वही हो रहा है, परफेक्ट वर्कआउट नहीं हो रहा है। सो अच्छा पुशअप्स और पुलअप्स, बाकी डाइट फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ डाइट पूरा जो मैं करता हूँ एकदम स्ट्रिक्टली वैसा तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फूड मिलना ही मुश्किल की बात है, तो डाइट का जो चिकन एंड ऑल थोड़ा थोड़ा जो चढ़ रहा है, मतलब रेगुलर जितना मेरे को प्रोटीन लगता है 160-180 तक, तो उतना नहीं हो पा रहा है, 80-100 तक मतलब मेंटेन रह रहा है बस। ओके अच्छा, मैं पहले आपको एजाज कहूँ कि जैज कहूँ? आपकी जो मर्जी यार, आपको मतलब सब जो बोलना है बोलो, एजाज बोलो या जैज बोलो, जैज ही बोलो, काफी जैज नाम से पहचानते। हाँ एजाज ना मेरे बॉस थे पहले, तो मैं एजाज बोलना चाहूंगा आपको, ठीक है? सो एजाज भाई शुरुआत करते हैं, काफी सारे सवाल हैं जो आपके लिए आए हैं, और सबसे पहला सवाल है कि आप अपने बालों का ख्याल कैसे रखते हैं? अभी हम बालों की बात कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। आप अपने बालों का ख्याल कैसे रखते हैं? बालों का ख्याल कैसे रखता हूँ? हाँ जी, अच्छा मैं सच बताऊ तो मैं कोई भी केयर नहीं करता हूँ हेयर की। बस ऑयलिंग करता हूँ, मतलब वीक में 2-3 बार, और बस इतना ही कुछ नहीं, शैम्पू से 2-3 बार नहा लेता, मतलब एक दिन में 2-3 बार नहीं, मतलब एक दिन के बाद एक एक बार शैम्पू करता हूँ बस, और कुछ नहीं, नॉर्मल सा यार, सब लोग ऐसे ही करते हैं, और सेट करते हो। अच्छा, थोड़ा आयन वगैरह यूज कर लेता हूँ तो बस। अच्छा ओके, अच्छा दूसरा सवाल ये है कि आपको बॉडी बनाने में कितना वक्त लगा? बॉडी मैं देखो आज से 4 साल पहले मैं बहुत ऐसा दुबला पतला सा था, तो तब मैं वर्कआउट स्टार्ट किया था, बट मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, मैं सिर्फ जिम में जाता था, तो मैं सोचता था बॉडी बनाऊंगा, बट तब इतना कुछ नॉलेज नहीं था बॉडी के बारे में, और ये जो फील्ड है इसमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे बहुत भटक जाते हैं कोई भी चीज में। तो फिर मैं नॉर्मली मतलब नेचुरली करता था, मतलब वर्कआउट करके आता था, बट मैं पहले से ज्यादा वर्कआउट करता हूँ, 1-1.5 घंटा आता था, और घर का ही खाना खाता था, तो फिर सिर्फ ऐसा थोड़ा थोड़ा सूजा हुआ सा रहता है ना, बस उतना ही था, वो बॉडी कुछ नहीं थी, सिर्फ पंप होता था, तो मसल तो नहीं बनते थे। फिर मैंने उसके बाद छोड़ दिया, फिर ऐसे ही कॉलेज वाले चलता रहा, बट अभी लास्ट 2 ईयर से मतलब मैंने एक ज्यादा फोकस किया, मतलब जो लास्ट ईयर था उसमें ज्यादा खर्चा नहीं किया, सिर्फ जिम करता था और थोड़ा नॉर्मल डाइट बस, बट लास्ट ईयर से मैं ज्यादा फोकस करने लगा, तो मैंने देखा यार, मतलब इसमें पहले बात तो एक अपना फोकस होना चाहिए कि हमको करना है, अगर वो नहीं रहा तो फिर नहीं होगा,
और ये दूसरी बात है कि इसमें पैसे भी लगते हैं यार बॉडी बनाने में, मतलब ये फील्ड ऐसा है कि इसमें पैसा होना जरूरी है। अगर तुम खाओगे अच्छा तो ही तुमको रिजल्ट मिलेगा, अगर तुम घर का खाना खाओगे उस पर डिपेंड रहोगे तो आपका मसल ग्रोथ नहीं होगा। तो वह बोलते हैं ना, मतलब जिम भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ खाना भी इम्पोर्टेंट है। मतलब जितना तुम हैवी वर्कआउट कर रहे हो उतना तुम अपने बॉडी को न्यूट्रिशन भी चाहिए उतना कि ग्रोथ कर सके। तो फिर इतने एक साल में मैंने खर्चा किया अच्छा, तो फिर बॉडी ग्रोथ होना लगा, तो फिर और इंटरेस्ट आता है। इंसान जब प्रोग्रेस होने लगता है तो यार बन रही है, तो फिर और मेहनत और मेहनत और मेहनत। फिर मैं दो दो ढाई ढाई घंटे जिम में करता था, और फिर एकदम स्ट्रिक्ट डाइट, मैंने तो 3-4 महीने से घर का खाना भी नहीं खाया था, सिर्फ फ्रूट्स एंड पूरा डाइट का। तो फिर जब जाके इतना अच्छा बॉडी बना था, बट अभी कम हो गया है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, बट कोई ना, बना लेंगे फिर से मेहनत करके। अच्छा, तो मतलब टोटल आपको 2 साल लगे कंप्लीटली अगर देखा जाए तो। जिम तो मैंने 3 साढ़े 3 साल किया है, बट डाइट के हिसाब से आप देखा जाएंगे, मतलब जब मैंने प्रॉपर जो जिम स्टार्ट किया है, सपोज कि हम मेरे बॉडी बनना चाहिए, तो उसको पकड़ लो आप 1.5 साल, 1.5 या 2 साल पकड़ लो। अच्छा, जयस भाई आप ये बताओ कि आपकी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, इतनी बॉडी होने के बाद और इतनी सारी। हाँ क्या लगता है आपको कि मेरी गर्लफ्रेंड होगी या नहीं? यार देखो, मैंने तो यही देखा है कि अक्सर जो हैंडसम लड़के होते हैं वो सिंगल होते हैं, तो आपने सही पकड़ा, तो मैं भी सिंगल हाँ? हूँ, मैं भी सिंगल हूँ, मतलब लास्ट लास्ट 2 ईयर से तो सिंगल ही हूँ मैं। अच्छा यार एक बात बताइए एजाज, की अगर आपके जैसी बॉडी बनानी हो तो आप क्या सजेस्ट करोगे लोगों को? मैं सजेस्ट यही करूंगा कि एकदम हाई इंटेंस वर्कआउट करो, और एकदम प्रॉपर, मतलब जो बच्चे होते हैं जो हैवी वेट ज्यादा उठाते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है हैवी वेट, बट प्रॉपर नॉलेज के साथ अगर आप करोगे तो, और अगर आप पैसा खर्चा करोगे अच्छा सा, मतलब तो फिर आपका, मैं बोल रहा हूँ, 1 साल में बहुत अच्छे से अच्छा बॉडी बनेगी अगर आपका फोकस हो। नहीं तो आप जा रहे हो 1-2 दिन, यार चल 2-3 दिन छोड़ देंगे ऐसे। मैं तो संडे के दिन भी, मेरे को जिम करने का मन होता है, मैं घर पे करता हूँ क्योंकि संडे को छुट्टी होता है। और अभी जब से बंद है ना, मैं मेरे पुराने वीडियोस देख देख के इतना गुस्सा आ रहा है मुझे कि मेरी क्या बॉडी थी। और अभी कोई ना यार, मतलब कुछ 2-3 स्टेप हो पीछे गए जाएगी हो तो ज्यादा जाएगी। जंप ज्यादा हाई जाएंगी, तो 2-3 स्टेप पीछे लो और ज्यादा लंबी उड़ी मारा। ओके ठीक है, अगला सवाल है एजाज भाई कि अगर आपके टिकटॉक वीडियोस की बात करें तो आपने कब बनाना शुरू किया? मैंने, मेरे को 1.5 साल हो गया है। मैं पहले घर पे ही बनाता था, मतलब मैं ऐसा कुछ दोस्तों भी नहीं बनाता था, बट दोस्त लोग को पता था कि मैं टिकटॉक बनाता हूँ। तो मेरा पहले, सबसे पहले MI का फोन था, उसमें बनाता था मैं। तो मैं सोचा यार थोड़ी क्वालिटी अच्छी चाहिए, ये वो, तो मैं घर पे, मैं बचपन से पैसे नहीं मांगा हूँ, तो मैं कॉलेज करके जॉब करता था। तो जॉब करते 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 मैंने उसमें पैसे सेविंग किए सेविंग किए, तो मैंने सबसे पहला फोन लिया मेरा iPhone 6s, वो भी सेकेंड फोन लिया। अच्छा फिर उसमें बनाने लगा, उसमें बनाते 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 बनाते, फिर थोड़ा अच्छा यहाँ पे बनाता था, मतलब मेरे पास रिंग लाइट भी नहीं थी, तो मैं ऐसा बल्ब लगाता था एक विंडो के पास, उस पर फोन रखता था ऐसा, फिर उस पर लिपसिंग करना, वो भी X2 पे लिपसिंग करता था जब मेरे को प्रॉपर वीडियो नहीं बनाता था। फिर उसमें नॉलेज आने लगा अच्छा, सीखने लगा सीखने लगा सीखने लगा, तो फिर मेरी ग्रोथ होने लगी फैन की। तो मैं सोचा यार फिर ये तो अच्छा है यार, इसमें अच्छे अच्छे कंटेंट बनाएंगे। फिर मैं बाहर जाके दोस्तों के साथ उनको इन्वॉल्व किया, मोला देखो ऐसा ऐसा होता है, फिर अपन वीडियो बनाने चाहते थे, फिर वहां से वीडियो बनाते 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 फिर आज ऐसे लेवल पे आए, इंशाल्लाह। शुक्रिया। ठीक है, नहीं इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे यार, मेहनत ही है जो इंसान को कहीं पहुंचाती है और कहीं से कहीं पर पहुंचाती है एक्चुअली। और ये ठीक जो है मैंने बोला, आप लोग सुन रहे होंगे अगर, क्या मैंने आईफोन लिया था पैसे का, तो मेरी मेरी मन की बात थी क्या वो, मैं पैसे सेविंग करके लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग के पास अगर एंड्रॉइड फोन भी होगा बट आपके कंटेंट वो लेवल के रहे तो आपको रीच मिलेगा अच्छा, तो ये मत सोचो कि आईफोन की जरूरत ही है, आप बिना आईफोन के भी फेमस हो सकते हो अगर आपके कंटेंट आपने उतनी मेहनत की हो तो। तो ऐसा मत सोचो कि आपको आईफोन ही लेने तो बोल देगा आईफोन लेना कंटेंट आईफोन लेना, कंटेंट ऐसा इज द नहीं। किंग, मतलब हम कहते हैं ना कंटेंट कंटेंट किंग होता है, तो अगर कंटेंट में मजा है तो आई थिंक सब में मजा, आपकी रीच जो है अपने आप बढ़ती है, लोग आपको अपने आप हाँ पसंद करने लगते हैं। उसमें कंटेंट में ऐसा होना चाहिए कुछ सरप्राइजिंग, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए। अभी सपोज जो ट्रेंड चल रहा है उस पे सब बोन बना रहे, ट्रांजिशन हो गया या कुछ हो गया, तो उस पे भी बनाओ, बट कुछ अभी सपोज हाथ ऐसा गया है तो तुम कुछ ऐसा काटने की जरूरत करो या कुछ भी, या झटके से ऐसा कुछ न्यू उसमें ही ट्राई करो, तो पब्लिक को लगता है हाँ यार सब ऐसा कर रहे तो इसने ऐसा किया, तो सपोज इसको थोड़ा है इसमें नॉलेज और ये अच्छे बनाता है, प्रोफाइल विजिट भी होती है और लाइक्स भी होता है। तो ऐसा है कंटेंट में अपना दिमाग लगाओ और अच्छे से कभी किए तो फिर आपको रीच मिलेंगी। अच्छा जयस भाई, आप रोज के कितने वीडियो डालते हो?
मैं तो अभी रमजान चल रहा है तो मैं सब ड्राफ्ट की वीडियो डाल रहा हूँ, तो ऐसे में दो ही डाल रहा हूँ। वैसे मैं नॉर्मल इसमें चार पांच पांच तक डालता हूँ, चार पांच डेली पांच वीडियो चार डालता पांच पांच वीडियो डालते हैं। अच्छा एजाज भाई, एक सवाल ये है कि आपने टिकटॉक कब बनाना शुरू किया था, लाइक कौन से ईयर में, कितने साल पहले? हूँ। जब म्यूजिकली नाम था उसका, फिर मेरे को अच्छा हो गया होगा शायद 1.5 साल के ऊपर हो गया होगा, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल होते आए होंगे उस पे, ऑलमोस्ट दो, हाँ अच्छा 2 साल तो हो गए होंगे ऑलमोस्ट। आपके फेवरेट टिकटॉकर कौन है? मेरे तो ऐसा देखे जाए कंटेंट वाइज तो आवेज भाई मुझे ज्यादा पसंद है, और मैं उनको पर्सनली भी मैं जानता हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, हम बहुत हंसी मजाक करते, तो आवेज भाई मेरे को अच्छे लगते हैं। ठीक है, अगर बात करें किसी टिकटॉकर के कंटेंट को कॉपी करने का, अगर आपको मौका मिले तो आप किसका कंटेंट कॉपी करना चाहेंगे? मेरा ऐसा फिक्स नहीं है, मेरे को जो भी दिल से अच्छा लगता है, मैं ऐसे वीडियो स्क्रॉल करता हूँ फॉर यू में, तो मेरे को जो भी अच्छा लगता है तो मैं उस पे उस साउंड को लाइक कर देता हूँ, और फिर मैं सोचता हूँ उस पे और अच्छा क्या बना जाए, तो मेरा ऐसा फिक्स नहीं है, बट जो भी अच्छा लगता है तो मैं उस पर बना देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक सवाल यह है कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? मेरे फैमिली में हम लोग 6 लोग हैं, दादी पकड़ के, अच्छा दादी, मैं, भाई, छोटा भाई, छोटी बहन, मम्मी और डैडी, हम 6 लोग हैं ओके ठीक और है। मैं सबसे बड़ा अच्छा आप सबसे बड़े? नहीं, आपने क्या हूँ। क्या बताया, आपने कौन कौन बताया? दादी जी आपके और? अब्बू, अम्मी, छोटा भाई, छोटी बहन और मैं। अच्छा अम्मू, अब्भी, छोटा भाई, छोटी बहन और आप। छोटी बहन क्या करती वो अभी कंप्यूटर साइंस में है, सेकंड ईयर में। है? ओके, और आपके हाँ छोटे भाई? वो भी कॉलेज कर रहा है और मेरे साथ साथ वीडियो भी बनाता है मेरे साथ साथ। अच्छा, यस, दिस इज द क्वेश्चन, यही एक सवाल है कि क्या आपके साथ आपके भाई और आपके फैमिली वाले भी वीडियोस बनाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, आप लोग जाके देख सकते हो। मैं मेरी मम्मी के साथ, मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, मेरी मम्मी के साथ भी बहुत वीडियोस बनाता हूँ, डैडी के साथ भी, मतलब डैडी एक्टिंग वॉइस नहीं बट स्लोमो, मतलब इमोशनल स्लोमो रहता है जो डैड के ऊपर डायलॉग्स होता है उस पर बनाया है, और मेरी बहन भी है मेरे वीडियोस में, काफी सारे वीडियोस में, और मेरी मम्मी तो है ही, मेरी मम्मी तो लॉकडाउन जब से चल रहा है मेरी मम्मी के साथ ही मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो मम्मी तो बोलते हैं यार लॉकडाउन खत्म होने के बाद तो मैं भी फेमस हो जाऊंगी, लोग मेरे साथ भी सेल्फी लेंगे, मतलब यार क्यों नहीं मम्मी, बिना बिना वीडियोस के भी आपके साथ सेल्फी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है नहीं नहीं यार, तो। माँ तो माँ है, माँ तो वैसे ही हाँ फेमस होती है, माँ को फेमस होने की जरूरत वही नहीं है। तो, वो मैं फेमस हूँ तो वो उनका ही सब कुछ है। एग्जैक्टली। अच्छा जयस भाई, अगला सवाल ये है कि आपको किस टाइप का कंटेंट पसंद है, लाइक कॉमेडी कंटेंट पसंद है, या फिर आपको सीरियस कंटेंट पसंद है, या फिर आपको इमोशनल कंटेंट पसंद है? मैं ज्यादातर कॉमेडीज बनाता हूँ क्योंकि ये पहले से ज्यादा कॉमेडी बनाता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं है कि मैं फिक्स कॉमेडी में ही हूँ, मेरे को जो भी अच्छा लगा, मतलब एक्शन वाइज हो गया, लाइक इमोशनली हो गया, लाइक फ्रेंडशिप के ऊपर कुछ बताना हो, तो मैं मतलब ज्यादातर मैं वीडियो कॉमेडीज की बनाता हूँ, बट जो मेरे को एकदम अट्रैक्टिव लगे फॉर यू में कि हाँ ये साउंड बहुत सही चल रहा है, जो भी ट्रेंड में चल रहा है, साउथ का जो भी म्यूजिक के म्यूजिक आते हैं उस पर मैं कुछ सोचता हूँ कुछ ऐसा, मतलब करने का, तो मैं ऐसा कुछ एक चीज में फिक्स नहीं हूँ, मैं कॉमेडी भी कर लेता हूँ, डांस भी कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत सिंगिंग भी कर लेता हूँ, और एक्शन का एक्टिंग भी कर लेता हूँ, इमोशनल भी कर लेता हूँ, रोमांटिक भी कर लेता हूँ, तो यार थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं मल्टी पैकेज खुद की ठीक बढ़ाई है, तो कर अब आपने जब इतनी इतनी भारी बात बोल दी है, तो इतनी भारी बात का हमें फायदा उठाना चाहिए थोड़ा सा। दरअसल एक रहा एक डायलॉग है जो हम हर क्रिएटर को देते हैं, तो उसे हूँ। परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उसे परफॉर्म करते हैं, तो मैं आपको एक डायलॉग दूंगा, अभी हाँ आपको जी, उसमें परफॉर्म करना है, ठीक है? हाँ जी, ऑलराइट, हाँ जी चलो सर, स्टार्ट करें, है हाँ ना? जरूर डायलॉग है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। सो सर। आपको एक्ट करना है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो सिचुएशन क्या थी, मतलब कॉमेडी वाइज में बोलना है या? हाँ जैसे भी, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, जैसे आप। ओके, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, आगे क्या ईश्वर के सर का ताज, नहीं, फिर सुहागन से। के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, और ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, ऐसा। सुहागन का सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, और क्या है, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर। ओके ओके स्टार्ट करें, ओके, रोल, कैमरा, एक्शन। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू,
ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, सुहागन का सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। हैंग ऑन, मतलब मैं मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मुझे इतना अच्छा लगा कि आप पूरे एकदम कैरेक्टर में थे, लास्ट में हंसे आप। लोग कह रहे हैं आप भी बोल, मैं तो ऐसे बोलूंगा एकदम ऐसे। लोग कह रहे हैं आप भी बोल, मैंने ये टिकटॉक कभी बनाया ही नहीं इस पे। बट बहुत ही कमाल था ये। अरे मेरे को कॉमेडी लगा, ये तो कॉमेडी। वैसे भी वो दीपिका दीपिका मैम भी कॉमेडी में ही बोलते हैं ना, मतलब लाइक एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या, डायलॉग तो ढंग से याद नहीं था मेरे को। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, तुम क्या जानो रमेश बाबू। एजाज भाई अगला सवाल ये है कि आप अपने टिकटॉक के जो आपके फैंस हैं, आपके जितने भी फैंस हैं, आप उनको टिकटॉक वीडियोस के लिए क्या सजेस्ट करना चाहते हो, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहते हो? मैं टिप्स यही दूंगा कि अगर आपको अच्छी रीच चाहिए आपके वीडियोस पे, तो जो भी फॉर यू में जो भी ट्रेंड पे चल रहा है उस पे बना दीजिए, और ऐसा बनाए कुछ यूनिक जो भी ट्रेंड में चल रहा है उसके कुछ, उसमें कुछ ऐसा सरप्राइजिंग होना चाहिए कि लोग ने अगर वो देख लिया तो फिर से मतलब स्वाइप नहीं करना चाहिए, वहीं पे रुक के फिर से दूसरी बार देखना चाहिए वीडियो में कि उसने क्या किया। और ऐसा करो यूनिक कि उसमें मतलब वो ट्रेंड का कुछ चेंज हो जाए, अगर कुछ सेम सेम बना रहा है तो उससे कुछ हटकर बनाओ, उस पर दिमाग लगाओ, उस पर आइडियाज अपने डालो कि इस पे ये बेटर लगेगा, इसमें ये अट्रैक्टिव लगेगा, तो पब्लिक रुक के देखेगा वीडियो और लाइक करेगा, और उसमें आपकी रीच भी अच्छी मिलेगी और आपके फॉलोअर्स भी गेन होंगे। तो ऐसा नहीं कि जो भी वीडियो चल रहा है ट्रेंड में तो उस पर बनाओ, उस पर बनाएंगे तो भी आपको लाइक्स मिलेंगे, बट अगर कुछ यूनिक करेंगे तो पब्लिक ज्यादा तुमको लाइक्स देंगे। तो वही जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है उस पर अच्छा बनाओ, और ना ही ट्रेंडिंग चल रहा हो तो फिर अपना क्रिएटिव बनाओ अपने खुद के साउंड में, कॉमेडी हो या एक्शन हो या कुछ भी। बच्चे इतना एक से एक बनाते हैं भाई, मैं देखता हूँ एक्शन वीडियो भी कॉमेडी भी, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लाते हैं। तो उनको मैं यही बोलूंगा कि ऐसे ही आगे बढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, तो आप मतलब आपको कोई हाथ पकड़ने में नहीं रहेगा। ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं मैंने, तो अपना खुद का भी मेहनत लगाओ, और अगर ट्रेंड पे बनाए तो कुछ अलग हटके बनाओ तो आपको सही मिलेगा रीच। ओके ठीक है, अगला सवाल है कि अगर आपको किसी लड़की को डेट करना हो तो वो लड़की कैसी होनी चाहिए, और किसी लड़की को आपको डेट करना हो तो वो लड़की कैसी होनी चाहिए। आज भाई ने ज्वाइन कर लिया है, आज भाई को मेरा सलाम है, आज भाई आ गए। सलाम अलैकुम भाई। तो लड़की ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी लगेंगे मतलब ऐसा कुछ सुंदर होना चाहिए या ऐसा कुछ नहीं है अट्रैक्टिव, बट मेरी एक है रिक्वायरमेंट, क्या मुझे ज्यादातर लड़की पंजाबी सूट में अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि कपड़े तुम जो चाहे वो पहनो, ऐसा कुछ नहीं, बट मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरे को सुंदर उसमें अच्छी लगती है, पंजाबी ड्रेस में इंडियन ड्रेस में मेरे को ज्यादा लड़की अच्छी लगती है, उसमें ज्यादा अट्रैक्ट होता हूँ मैं। और ऐसा कुछ नहीं कि गोरी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं यार, अच्छी लगी तो यार हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। और मेरे को भी मतलब मेरे को पसंद करने वाली लड़की, आई डोंट नो अभी आपको कैसा चाहिए, बट मैं यही से आपको बोल देता हूँ कि मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ और मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मैं आपको एंटरटेन करूंगा दिन भर और आपके साथ वीडियोस बनाऊंगा, आपको बोर नहीं करूंगा, तो देखो मैं बहुत अच्छा हूँ तो मुझे आप कर सकते हो। मैंने एक चीज तो मैं हर क्रिएटर से कोई ना कोई चीज सीखता हूँ, मैंने आपसे सीख लिया कि अपनी तारीफ कैसे करनी है आदमी। मैंने सीख लिया ये मैंने पक्का सीख लिया। आज मैं अभी आपको पता नहीं, अपना एक सेगमेंट है अंधेरे में लाइव, तो अपन ऐसे करते हैं अंधेरे में अपन लाइव जाते हैं, मतलब लाइट्स भी जल रही होती है और वहां से हम लोगों के साथ ज्वाइन करते हैं। तो मैं मतलब आज अंधेरे में लाइव में मैं अपनी तारीफ बहुत करने वाला हूँ, बहुत ज्यादा करने वाला हूँ, मैंने ये सीख लिया, जरूरी भी है। और अपनी तारीफ इंसान को खुद करनी भी चाहिए, क्योंकि बुराई करने के लिए तो दुनिया बैठी है, वो तो है, वो तो अच्छा। आज भाई एक बात बताइए, अगर आपको लॉकडाउन के बाद सबसे पहले कहीं बाहर जाना होगा तो कहाँ जाओ? मेरे को अगर बाहर जाना होगा तो मैं पहले यार मेरे दोस्तों को जाके मिलूंगा, इतने दिन से मिला नहीं, मैं उन लोग को पहले जाऊंगा, पहले पहले भागते भागते मिलूंगा, और उसके बाद वहीं पे वीडियो बना दूंगा। एक दोस्त उधर से भागते हुए आ रहा है स्लो मोशन में, एक इधर से भागते हुए आ रहा है स्लो मोशन में, फिर मिल रहे तो वही तो एक कंटेंट हो जाएगा क्रिएट किया। एक दोस्त उधर से रेडी होके भाग के आ रहा है कि मैं आज मिलूंगा दोस्त लोग से, फिर उधर से दूसरा आ रहा है, तीनों मिलके मिल रहे हैं ऐसा वैसा। तो यार दोस्त लोग के बिना मतलब यार उन लोग से अपना एक बॉन्ड होता है, लाइक फैमिली के फैमिली जैसा ही होता है, तो फैमिली तो ऑलरेडी है हमारे साथ, बट दोस्त लोग नहीं तो ऑलरेडी मतलब उनको इतना मिस कर रहे, तो ये खत्म होने के बाद दोस्तों को ही मिलूंगा। ओके
अच्छा एजाज भाई एक बात बताइए हाँ कि आप लॉकडाउन के बाद आपने बताया कि आप सबसे पहले दोस्तों को मिलने वाले, हाँ ठीक है ना? अब लॉकडाउन के बाद आप सबसे पहले क्या खाएंगे? मैं तो देखो वैसे भी डाइट तो अभी प्रॉपर हो नहीं रहा है, बट मैं पहले जाके बर्गर खाऊंगा। ये मेरे अच्छा को बर्गर की बहुत याद आ रही है भाई, सच में। मेरे को ऐसा फिक्स बहुत नहीं कि सारा मेरे को मैं कोई चीज से एडिक्ट नहीं हूँ खाने में, कि मुझे ये गोलगप्पे चाहिए या कोई समोसा या कुछ नहीं, बट मेरे को बर्गर अच्छा लगता है तो मेरा मन हो रहा है खाने के लिए। क्योंकि मम्मी फिर भी मम्मी यहाँ पे टेस्टी टेस्टी फूड बना रहे, बट फिर भी मैं खाता नहीं, सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़ा सा उठा लेता हूँ। क्योंकि अभी तक भी मैं डाइट थोड़ी फॉलो कर रहा हूँ, मतलब ज्यादा कार्ब लोड नहीं कर रहा बॉडी में, क्योंकि मैं कार्ब लोड कर दिया तो फिर ऐसा फूक जाता है, मैं गाल वाल थोड़ा ऐसा हो जाता है, तो फिर मेंटेन रखना पड़ता है, तो इसलिए तो बर्गर खाऊंगा मैं जरूर। ये जॉलाइन का राज क्या है? ये जॉलाइन कैसे आई आपकी? तो मैंने इस पे मेहनत की काफी। मेरा वेट जब 74 था तब मैं थोड़ा ऐसा दिखता था, तो मैं सोचा यार थोड़ा लुक शार्प होना चाहिए, और मेरी बॉडी भी जब थोड़ी हैवी हैवी थी तो मैं सोचा थोड़ा कट करते वेट। तो फिर मैंने डाइट अच्छे से फॉलो किया, फिर वेट कम किया मैंने। अभी मेरा वेट है 63। मेरा मैंने 10-11 kg मैंने कम किया, ड्रॉप किया मेरा वेट तो। और फिर मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज भी करता हूँ जॉलाइन की, जैसे सुबह उठता हूँ वैसे स्नेक राइज, फिर ऐसा हो गया, फिर एक अपना ये जो नीचे का ये होता है ना, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, इसको नाम नहीं पता मेरे को, नीचे का चीन चीन हाँ चीन, फिर थोड़ा उसको ऐसा रहता है ये ऐसा, मतलब ऐसा मैं 20-20 रिपीटेशन करता हूँ इसके इसके, फिर ऐसा होगा ये। तो इसमें भी बहुत मेहनत है, मैं 4-5 महीने से कर रहा हूँ, तो उससे अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, जो यहाँ का अपना जो भी फैट होता है ना ये बर्न हो जाता है, मतलब फिर ऐसा सब फुगा फुगा होने दिखता है, फिर इस पूरा शार्प दिखता है ऐसा। यार, ये तो बहुत और ही सही एक्सरसाइज आपने बताई है यार। हाँ ये एक्सरसाइज भी करना चाहिए, और आपको कार्ब ज्यादा लोड नहीं करना चाहिए, मतलब जिससे अपनी बॉडी पम्प दिखती है, और तो उससे फिर अपना फेस हैवी हैवी दिखता है। तो कार्ब मतलब डाइट आप प्रॉपर करोगे, ज्यादा जंक फूड नहीं खाओगे तो ऑब्वियसली आपका फैट नहीं बढ़ेगा। अच्छा एजाज भाई एक बात बताइए कि आपका ऐसा कौन सा टिकटॉक वीडियो था जो आपका बहुत ज्यादा फेमस हुआ था? फेमस हुआ स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग में तो मेरा एक वो जो कवाली आई थी, सुनो सुनो मेरी शबाना हूँ मैं तेरा दीवाना, उस पर मैंने बनाया था टोपी पहन के, तो वो मेरा सबसे पहला वीडियो वायरल हुआ था। उस पर मेरे कितने गए थे, शायद 500-600 K गए थे शायद, तो तब वो टाइम पे, मतलब आज से 1.5 साल, एक डेढ़ साल पहले, तो फिर वो ज्यादा मैं भी फेमस यार हुआ सॉरी टू इंटरप्ट यू यार, मैं पता नहीं मुझे क्यों वो जॉलाइन वाली एक्सरसाइज बहुत याद आ रही है। मैं ऐसे ऐसे कर था रहा था अगले दिन बात करते करते, उस मैं यार करना चाहिए, ये मतलब बट तो पक्का मैंने ट्राई करूंगा यार, मुझे भी जब चाहिए से तो मैंने अब अभी वेट नहीं कम आया। मैंने जब से वेट कम किया है तो मम्मा बोल रहे यार कितना अजीब लग रहा है, पहले कितना अच्छा था। मतलब मम्मी पहले ऐसा गोल गोल मुंह, गोल गोल चेहरे वाले इंसान अभी पसंद नहीं करते, लोगों को ऐसी हड्डी चाहिए होती है, उनकी लैंग्वेज में समझाया मैंने उनको, बोले कैसा लग रहा है, सूखा सूखा सा मुंह पूरा, मतलब मम्मी आजकल ऐसा ही चलता है, ऐसे ही अच्छे दिखते हैं बट मम्मी लोग को तो हाँ मम्मी तो आती कैसा चीजों को देखती बोलते हैं मुझे आजकल क्या चल रहा है पता नहीं, तुम जानो तुम्हारे बच्चे तुम ही जानो। ऑलराइट हाँ वो तो है ही। आप कुछ बता रहे थे, सॉरी यार मैंने आपको इंटरप्ट किया, प्लीज बताइए ना, आप कुछ बता रहे थे। क्या बताया, हाँ वीडियो वायरल होने के बारे में, तो वो वीडियो वायरल होता है, और मेरे सबसे ज्यादा वीडियो चली है मेरे दोस्तों के साथ, मतलब जिसमें मेरे दोस्त मार खाता है उसमें आके मैंने मारा था उसको, शायद 4.5-5 मिलियन लाइक्स आए उसको, वो एक वीडियो चली है। और मेरी शायरी वाली वीडियो ज्यादा चली है, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन ऐसे, और कुछ कुछ कॉमेडी अच्छा भी अच्छी चली है। तो उसके बाद से वो ओके सबसे ओके, पहला मेरा जो वायरल हुआ था वो वीडियो था, सुनो मेरी शबाना, उसके बाद से ज्यादा होने लगे। एजाज भाई एक सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि अगर आपको टिकटॉक पे फेमस होना है तो आपकी बॉडी होना जरूरी है, आपको अच्छा दिखना जरूरी है? ये एक सवाल है आपके लिए। नहीं ऐसा तो नहीं है, देखो ऐसे भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी बॉडी ही नहीं है वो लोग भी फेमस होते हैं, बट आपके अगर कंटेंट में दम हो या आपकी एक्टिंग में दम हो तो ऑब्वियसली आपको जो मिलना है वो तो जरूर मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी हो या आपके लुक्स हो, लुक्स पे भी ज्यादा मतलब है इफेक्ट, मतलब लुक्स रहे तो ज्यादा लोग रुक के देखते हैं या कुछ इफेक्टिव ज्यादा पसंद आता है लोगों को, बट अगर आपकी एक्टिंग में भी दम हो आपके कंटेंट में भी दम हो तो वहां पे फिर मैटर नहीं करता, टैलेंट अगर आ गया तुम्हारे इसमें तो फिर आपको रीच मिलेगा, आपको अच्छे अच्छे मतलब जो भी आपको मिलेगा जरूर। अच्छा लोग लोग आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहे हैं कि
टिकटॉक और यूट्यूब के बारे में भी काफी सारी बातें हो रही है। हाँ, चल रहा है। तो आप कुछ कहना चाहते हैं, लाइक मतलब आपका क्या टेक है? मुझे ऐसा मैं लगता है तो शायद देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह पर राजा हैं। हाँ ऐसा कुछ नहीं, किसी को बुरा मत बोलो, सब लोग मेहनत कर रहे, तुम लोग भी मेहनत कर रहे, हम लोग भी मेहनत कर रहे, बट ऐसा मतलब ये मत करो कि नीचापन ऊपरपन, मतलब इंडिया के ही है हम लोग, सब साथ में रहते हैं तो सबका टैलेंट बढ़ रहा है, तुम भी बढ़ रहे हो हम भी बढ़ रहे हैं साथ में, तो ऐसा किसी को कंपटीशन कंपटीशन रखो, बट ये मत करो कि यार ये ऐसा है वो ऐसा है, इसके टांग मतलब जो टांग खींचने वाले काम होते हैं वो मत करो, सब जैसा चल रहा है चलने दो, सिर्फ किसी की बुराई मत करो, बस मेहनत करते जाओ, सब साथ में मेहनत करेंगे तो सब साथ में आगे बढ़ेंगे, जिसकी किस्मत में जितना लिखा है उतना तो मिलना ही है, और मेहनत करेंगे तो मेहनत और किस्मत साथ में मिल गई तो फिर तो पूछो ही मत, फिर तो आसमान छूंगे, तो फिर कुछ नहीं यार, सब्र करो, सबका वक्त आता है, सबका टाइम आता है, सब्र करो, अगर मेहनत करोगे तो ही आएगा टाइम, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे बोलोगे यार आएगा कब आएगा, ऐसा नहीं आएगा, मेहनत करो, अगर किस्मत भी अगर साथ मिल गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक देगा भाई, आप तो छू जाओगे अच्छा फिर। एजाज भाई, आपकी आपकी फीमेल फैन ने आपसे पूछा है कि आपकी हाइट कितनी है? फाइव मेरी हाइट 5'9" है। आपका वेट कितना है? वेट, अभी वेट मेरा 63 वेट है अभी। 63। ओके। आपका आपका वेस्ट कितना है? वेस्ट 30 30 से भी और एक थोड़ा कम हो गया हूं आपका बाइसेप, मुझे तो दिखाना नीचे, मुझे तो शर्म आ जाएगी, आप बताओ अपना बोलो कितना मैं है? जब मेरा कंटिन्यू वर्कआउट चल रहा था तब मेरा 15.5 तक हो गया था भाई से, 15 15.5 तक, अभी शायद हो गया होगा 14 तक हो गया होगा अभी शायद। ओके एक सवाल यह है कि आपकी बियर्ड के बारे में एक सवाल पूछा किसी ने कि आपकी आती नहीं है या आप रखते नहीं है? सिर्फ इतनी आती है भाई, अरे ये दिख रही है, सिर्फ अच्छा इतनी है। बियर्ड आती, मतलब आती मतलब थोड़े थोड़े आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दो 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 तीन दिन ऐसे 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 आते हैं, तो मैं सोचता हूँ यार उतना रख अच्छा, के क्या करूँ यार, अगर आई तो पूरी आना चाहिए ना, तो उतने दो तीन बाल आना रख तो के क्या पूरी तरह करूँ आना, फिर वरना मत ही आना। तो इसलिए फिर मैं 2 3 बाल जो रहते वो निकाल देता हूँ, जब तक पूरी नहीं आती फिर तो, जब आएंगी तब तो रख लेंगे फिर इंशाल्लाह, वो भी ट्राई करेंगे लुक के उसमें कैसा लगता है, तो आजकल तो अच्छा सब लोग एजाज भाई, फैशन आपकी एज के बारे में लोगों ने पूछा है। में, क्या लगता है आपको, आप बताओ भाई क्या एज होनी आपकी चाहिए? 21? अरे यार तुमने बहुत छोटा बना दिया फिर तो मेरे को बहुत मतलब सच में? थोड़ा मेरे अभी 23 अभी रनिंग हुआ, अभी 23 स्टार्ट हो गया। 23। ओके। हाँ हाँ, 21 23 ज्यादा मतलब वो नहीं था, पर ज्यादा हाँ मतलब 2 साल नहीं था। का अच्छा, फर्क आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? था। मेरी फेवरेट बॉलीवुड में या हॉलीवुड में? बॉलीवुड, हॉलीवुड कोई भी। बॉलीवुड में तो ऐसा फिक्स नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगता, फिर भी सोचने दो। हाँ केजीएफ। KGF बॉलीवुड नहीं है वो टॉलीवुड है KGF, वो भी सही है, मतलब पुराने में इसमें मतलब मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, जब भी मेट अच्छी लगती है, जब भी, अरे क्या बात है, जब भी मैं, तो यार मेरी भी फेवरेट पिक्चर है। हाँ वो अच्छी लगती है जब भी मेट, और ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, मतलब जो अच्छी लगी वो देख लेता हूँ। ओके अच्छा, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? वो भी तो मूड के हिसाब से चेंज होता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि अच्छा, यही होगा, जो भी नया आया जो भी नया अभी आया कौन कुछ सा तो चल रहा है? सुन। हाँ अभी कौन सा चल रहा है? बहुत हार्ड। बहुत आर तो पुराना हो गया वो, नहीं इमोशनल सॉन्ग में अगर तुम पूछ रहे हो तो फिर जो भी आते अरिजीत भाई, अरिजीत सर के, या तो अपने आतिफ असलम के, तो फिर तो उन लोग के जो भी जो चलता है तो वही चलता है फिर, हाँ वही अच्छा लग रहा है, वही अच्छा लग, फिर दूसरा आ जाता है बड़ा पछताओगे आ गया हो गया, फिर तू सफर मेरा सब, ए दिल मुश्किल के तो सब सॉन्ग, मतलब ऐसे सॉन्ग तो फिर सब होता है, तो ये तो फिक्स नहीं है कोई भी तो, बट फिर भी एक सॉन्ग है वो अच्छा लगता है, तुम हो इसमें का अपना रॉकस्टार में, तुम हो पास में साथ में, वो अच्छा लगता है मुझे थोड़ा, वो अरे क्या ज्यादा। बात है, बड़ी कमाल की पसंद है यार आपकी। अच्छा, एक सवाल जो बहुत लोगों ने पूछा है, बहुत 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 लोगों ने पूछा है, अरिश्फा खान आपकी कौन लगती है? अरे मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो अच्छा, हाँ मतलब ऐसा कुछ सीन नहीं है ना, मतलब लोग ऐसा पूछ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आजकल टिकटॉक पे ऐसा हो गया है कि कोई दो दो एक लड़का एक लड़की कोई भी वीडियो बना दिए तो मतलब लोग सोचते हैं अरे यार इनका कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, दोस्त भी होते हैं बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, बेस्ट फ्रेंड, यू नो बेस्ट फ्रेंड ये ओके, सब। ऑल राइट ऑल राइट। अच्छा सवाल ऐसा है एक और, कि अगर आपको मौका मिले, अभी अभी आपको 5 करोड़ रुपए दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे?
मैं तो पहले हैंग हो जाऊंगा भाई पहले तो मैं वो सोचने वाला भाई सोचने वाली बात है वो तो मैं वही थी मैं तो इमेजिन करके मैं हैंग हो गया 5 करोड़ रुपए सामने भाई क्या करूं अभी मैं अरे यार फिर तो मैं पूछू पहले तो मैं खुद की एक जिम डाल दूंगा मैं खुद की एक घर पे जिम डाल दूंगा कि मैं लॉकडाउन रहो या कुछ भी रहो कि मैं घर के अंदर ही जिम कर सकूं और दूसरी बात तो फिर मैं फैमिली का सब कुछ पूरा करूंगा और उसके बाद भी अगर कुछ बच जाए तो फिर जो जरूरतमंद है इंशाल्लाह उनको दूंगा जो भी जरूरतमंद रहेंगे उनको दूंगा इंशाल्लाह ठीक है ऑल राइट अच्छा एजाज भाई आपसे अब एक सेक्शन खेलेंगे हम लोग सेक्शन खेलेंगे क्या सेक्शन शुरू करेंगे जिसका नाम है कमेंट और आंसर तो जितने भी फैंस अभी देख रहे हैं वो सब कमेंट करेंगे अपना क्वेश्चन और हम आपसे पूछेंगे और आप उसका जवाब देंगे फ्यूचर में आपका क्या प्लान है सबसे पहला सवाल ये मेरे को पूछ रही है या फैंस को मतलब फैंस को जवाब देंगे आपसे आपसे फ्यूचर का क्या प्लान फ्यूचर में इंशाल्लाह मैंने सोचा है मेहनत करूंगा क्या एक्टिंग में ज्यादा जाऊँ तो अभी मैं इंशाल्लाह मुंबई भी शिफ्ट होने वाला हूँ तो अभी किस्मत तो नहीं मैं मेहनत तो करूंगा और किस्मत भी रही तो फिर इंशाल्लाह करेंगे कुछ बड़ा आप कहाँ रहते हैं मैं नासिक साइड में रहता हूँ संगम नेर करके एक शहर है उधर रहता हूँ मतलब ज्यादातर वो लोग को पता नहीं है मैं कहाँ रहता हूँ लोगों को लगता था मैं मुंबई में या तो कुछ नहीं बट नासिक आपको पता होगा शायद तो नासिक से पहले एक आता है शहर संगम नेर करके उधर रहता हूँ ओके राहुल कौन है आपका राहुल कौन है अभी राहुल देवलता ऐसा करके कुछ नाम है राहुल राहुल देवतुला नहीं 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 पता नहीं पता अच्छा ओके दूसरा सवाल यह है कि मुझे क्या है भाई भाई मैं लगाऊंगा अपन अपन अपना एक पर्सनल लाइव करेंगे अभी मेरे सवाल में पूछा है अच्छा आपकी स्नैपचैट आईडी है हाँ जी स्नैपचैट आईडी है जरूर ओके अच्छा आपके टिकटॉक पे दोस्त कौन कौन है जिनकी आपसे बहुत अच्छी दोस्ती है दोस्त टिकटॉक से या जो मतलब सोशली बने तो एक मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड तो अरिश्पा है तो इसके बाद बहुत सारे दोस्त है भावीन है और अदनान है अदनान अपना 07 और फैसू भाई है आसनिन भाई है वैसे जितने भी मतलब सब है तो सभी अच्छे दोस्त है बट क्लोजली तो मेरे मतलब दो तीन ही है अदनान भाई है अरिश्पा है और हाँ मतलब ज्यादा इतना कुछ नहीं बट सब सभी दोस्त है और सना है एक दोस्त अच्छी मेरी सना खान ओके सना सुल्तान खान नहीं नहीं सना खान जो जो मेरी दोस्त है कोलकाता से अच्छा ओके ठीक है अगला सवाल ये कि अगर आपसे मिलना हो तो कैसे मिलेंगे लॉकडाउन के बाद आप जाओगे नहीं मतलब कोई ऐसा कोई प्रोसीजर है क्या मिलने का मतलब ऐसा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बट अब तो मैं इधर रहता हूँ यहाँ पे तो काफी लोग आते हैं मेरे को मिलने के लिए बाहर से भी जो लोग हैं वो भी आते हैं तो सब लोग को ऑलमोस्ट घर पता ही है मेरा मैं हाईवे पे रहता हूँ हाईवे पे मतलब हाईवे सामने ऐसा और हमारा घर इधर है तो सब लोग आते हैं तो सब लोग ऐसे जाते वक्त घर की तरफ देखते जाते थे एजाज का घर है तो ऐसा कुछ नहीं सबको पता है इधर तो अरे आपको मिलना है तो आप आ जाइए संगम नेर में इंशाल्लाह मैं सबसे मिलता हूँ तो आपसे भी मिलूंगा बट अब बताइए लॉकडाउन के बाद आइए ठीक है आपकी आपकी कौन सी जो आईडी है आपके स्नैपचैट पे उसका नाम क्या है AJAZ फिर अंडरस्कोर फिर उसके बाद AHMED अहमद फिर 93 कुछ कोई स्पेस नहीं है बीच में सिर्फ एजाज के बाद अंडरस्कोर है और अहमद 93 ओके अगर साहिल से आपको 3 सवाल पूछने होंगे तो क्या पूछेंगे आप पहले तो भाई आपकी गर्लफ्रेंड है नहीं भाई बिल्कुल नहीं तो देखो भाभी अगर सुन रहे होंगे तो बोलेंगे मेरे को सोशल मीडिया पे आप बोलते नहीं हो सिंगल हो इसका मतलब तुम्हारा चक्कर चल रहा है कहीं तो इसलिए तुम बोलते कौन सी भाभी किधर की भाभी भाई कोई नहीं है अपनी जिंदगी भाई बहुत बहुत साल हो गए भाई लड़की देखे मतलब अच्छा तो सिंगल है फिर हम दोनों एक ही गैंग में सिंगल सिंगल और दूसरा मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई आपकी मतलब स्टडी कितनी हुई है स्टडी फिर अपन ने क्या किया अपन ने 10th क्लास तक जो है अपन ने 10th क्लास तक 10th क्लास 10th क्लास में सोच लिया ना फिर अपन ने जैसे कॉलेज कंप्लीट करते 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 अपन आरजे बन गए तो अभी मतलब जैसे जब मेरा फर्स्ट ईयर हुआ था तो मैं फर्स्ट ईयर में आरजे बन गया तो फिर आगे भी मतलब अभी क्या सोचा है आगे
आगे का मतलब मैं किसी उस दिन मैं किसी बहुत एक क्रिएटर के साथ में लाइव कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, कभी भी अपना आने वाला गोल किसी को बताओ मत। मैंने तो बता दिया बट पता नहीं किस्मत नहीं, आप लोग तो स्टार्स हो ना, आप लोग तो बता सकते हो, आप लोग तो स्टार्स हो ना, आप लोग तो बता सकते हो, कोई तो किस्मत अभी पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। तो और मेरा तीसरा सवाल ये कि भाई आप शादी कब कर रहे हो यार? भाई आप एकदम ना टिकटॉक के जैसे वो फैन था, बिल्कुल वो सवाल पूछ रहे हो यार। मतलब वो सब ये शादी कब कर रहे हो, एक तो एक गर्लफ्रेंड आएगी नहीं है, मुझे जितने भी अभी डीएम आ रहे हैं वो सब यही पूछते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आएगी। अब मैं किसी को कह दूं कि नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड, बोलते नहीं आप तो आ रहे हो, आपकी तो होगी। भाई आप ये कहां के स्मार्ट हो, बियर्ड हो गया यार, तो ऑब्वियसली तुम्हारी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने लाइव की शुरुआत करी थी तो मैंने क्या बोलता, अक्सर जितने भी स्मार्ट लड़के होते हैं लॉन्डे होते हैं, सही में सिंगल होते हैं, सिंगल होते हैं। और इन लोग को क्या, इन लोग मतलब नॉर्मल लोगों को लगता है कि हाँ यार इसके ये तो स्मार्ट है, इसके होंगे तीन चार गर्लफ्रेंड तो ऑलरेडी होंगे, ऐसा बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइज। जो ज्यादा स्मार्ट दिखते हैं वो सबसे बड़े सिंगल होते हैं, उन लोग के पास कोई भी नहीं होता है। मैं तो भाई खुद ही बोल रहा हूँ, मतलब मेरे पास जितने भी अभी डीएम आ रहे सब आप सिंगल हो। अब मैं कह दूं किसी को कि हाँ मैं सिंगल हूँ है ना, तो वो कहते हैं यकीन नहीं बोलते, हाँ वही तो यकीन नहीं आप होता जो आपकी तो होगी। अरे ऐसे कैसे, वही तो सिंगल। शादी कैसे प्लान है भाई? शादी का कोई प्लान नहीं है अभी, देखते हैं कब होगी क्या होगी पता नहीं यार अपने कुछ शादी के बारे में। और पूछो, हो गए क्या तीन सवाल? तीन हो गए मेरे। क्यों, आपने पहला पूछा कि गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, हाँ फिर आपने क्या पूछा दूसरा? दूसरा मैं बोला गोल क्या है तुम्हारा, तो वो तुमने नहीं बताया गोल। और अगर मैं पूछना चाहूंगा तो आपके अंदर मतलब कुछ ऐसा, एक तो आरजी की क्वालिटी तो आपकी बेस्ट है, तो और इसको छोड़ के आप में और ऐसा क्या है? मतलब आरजी की क्वालिटी तो आपकी बेस्ट है, तो आप सपोज ऐसे डांस कर सकते हो या गाना गा सकते हो या कुछ ऐसा हिडन टैलेंट है, मतलब आप जिसको बताना नहीं चाहते हो पब्लिक में? मेरे में ऐसा टैलेंट जो मैं किसको बताना, हाँ ऐसा टैलेंट है, मैंने कल भी बताया था, मैं आपको अभी सुनाता हूँ। शुरू करें? मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूँ। जरूर जरूर। लेते ही नाम ख्वाजा का तूफान हट गया, लेते ही नाम ख्वाजा का तूफान हट गया, पत्थर भी मिला समंदर भी मिला और समा मिला, ये तो ख्वाजा का कर्म है, ये तो मेरे ख्वाजा का कर्म है, मेरे ख्वाजा का वेस्ट है। मुझे लग रहा है मैं अब तक इसी वजह से सिंगल हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, जो भी आपको ढंग से पहचान लेंगे भाई दौड़ते हुए लाइन लग जाएंगे आपके यहाँ। अरे इंशाल्लाह कभी ऐसा हो तुम सब लोगों के मुंह में ये चक्कर पड़े, जितने भी जो भी चीजें बोलते हो सब पड़े और हम ऐसा कुछ हो भाई। जरूर जरूर जरूर। ऑलराइट मेरे भाई, बहुत मजा आया एजाज भाई, बहुत 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 मजा आया आपसे बात करके। अच्छा एक चीज इस लाइव के बारे में जो आपको अच्छी लगी हो, और एक आपको अपना फेवरेट सवाल बताना है जो हमने इस लाइव में पूछा हो। बात ये अच्छी लगी कि मेरे काफी दिनों बाद इतना अच्छा लाइव गया, इतना मजा आया, मतलब इतने दिन से पक गए तो थोड़ा आज जरा खुल गया हूँ मैं, बात करके अपने बात के आंसर करके सबको समझा के तो थोड़ा अच्छा ऐसा फ्रेश फील हो रहा है। और दूसरी बात क्वेश्चन मेरे को ये अच्छा लगा, सभी अच्छे लगे यार, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जो मेरे को मतलब पब्लिक में बताना पड़ा जो भी मतलब टिकटॉक के बारे में वो अच्छा लगा, क्योंकि लोगों को नॉलेज मिलेगा उसके बारे में। और एक तो सबसे पहली बात जिम के बारे में जो भी सवाल पूछे वो सब बेस्ट है, सब 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 बेस्ट है जिम के बारे में जो भी पूछे। अच्छा एजाज भाई अभी अभी कुछ सवाल अभी भी आ रहे हैं। एक सवाल ये है कि क्या आप अपनी फैन को डेट करना चाहेंगे? फैन को डेट करना ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है यार, मतलब अभी दिल तो बोल के थोड़ी ना लगता है, अगर किसी किसी का आ गया ऊपर दिल किसी के ऊपर आ गया तो यार हो जाएगा, उसमें क्या है। अगर कोई अच्छा लगा किसी का मतलब कुछ बातें अच्छी लग गई या कुछ ऐसे दिल को छू गई कुछ बातें तो फिर उससे आगे बात बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है यार, इंसान है, इंसानी से तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि मैं फैन को ही डेट करूंगा या कोई सेलिब्रिटी या कोई भी, ऐसा कुछ नहीं है, सबको या सब नॉर्मल है, सबके साथ कुछ भी हो सकता है तो सबके साथ कर सकते हैं। ओके एजाज भाई, एक बहुत लोगों की रिक्वेस्ट ये आती है कि आप ना डीएम में रिप्लाई नहीं करते हैं, तो सब लोग आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज आप डीएम में रिप्लाई करें, अभी जैसे ये लाइव खत्म हो आप प्लीज जरूर कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिप्लाई कर सके। जरूर आप प्रॉमिस करिए प्लीज। जरूर जरूर जरूर, मैं तो करता हूँ रिप्लाई, बट अगर
किसी के मिस हो जाते तो मैं जरूर जरूर उन लोग का रिप्लाई करूंगा। दीपाली दीपाली मुझे कह रही है क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे, मैं फ्रेंड ही बनने के लिए दिख रहा हूँ क्या यहाँ भी? मैं फ्रेंड तुमको जोन हो रहे ना? हाँ यहाँ भी मैं फ्रेंड जोन हो जाऊँ, मतलब कोई इज्जत नहीं, मतलब ऐसे एकदम दीपाली अगर आप सुन रहे होंगे तो आप साहिल भाई को प्राइवेट मैसेज कर दीजिए, वो आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। अरे ये जो आपने एकदम हम तक जो पहुंचाई है, जो मतलब बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मेरे भाई, खुदा हाफिज। अरे नेटवर्क कहाँ चला गया? अरे हेलो, ऑलवेज आवाज आ रही? ऑलवेज। अच्छा भाई आप शॉपिंग किधर हाँ से करते? यार मेरा ऐसा फिक्स नहीं है क्या मेरे को। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है हमको, आवाज नहीं आ रही है। हाँ आया एजाज भाई मैं आवाज, हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही। वो यार अननोन नंबर से लोग परेशान कर देते यार फोन कर करके। पता नहीं नहीं कहाँ होता से, है मेरे को, मैं तो वो सोचता हूँ नंबर कहाँ से मिलता है लोग को यार। अभी मैंने बोल दिया भाई आपको बात करनी तो मैं करता हूँ, बट सिर्फ 1 मिनट रुक जाइए मैं करता हूँ मेरा लाइव चैट, फिर से फोन करेंगे। भाई करने वाला हूँ मैं बात, रुक जाओ बोला थोड़ा यार। तो आप क्या बोल मेरे साथ रहे मेरे पास मैं तो फोन उठाता ही नहीं, थे? तो क्या मेरे को बोलेंगे आप? मैं इसीलिए बदनाम हूं, मैं लोग मुझे ये कहते तो फोन क्यों नहीं उठाते, मैं तो मुझे सुनाई नहीं देता। वो ऐसा अच्छा कोई मैं उठाता इसलिए हो क्या, कोलैबोरेशन के लिए कुछ फोन नंबर्स दिए होते तो अननोन नंबर से भी फोन आते, तो इसलिए उठा के पहले कंफर्म कर लेता हूँ फिर उसके बाद होता। तो आप कुछ पूछ रहे थे मुझसे, एजाज भाई आप शॉपिंग कहां से करते हैं ये लोग शॉपिंग का पूछ रहे मेरा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मेरे को भाई ये ब्रांड चाहिए वो ब्रांड चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर रास्ते से चलते हुए कुछ दुकान में मेरे को अच्छा लग गया यार, ये शॉप में मेरे को ये अच्छा लगा कि ये अट्रैक्टिव लगेगा तो मैं जाके ले लेता हूँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है मेरा। जो भी चीज मेरे को ज्यादा अच्छी लगी वो ले लूंगा। यहाँ पे लोग बोलने लगे आई लव यू साहिल, अरे आई लव यू टू यार, जो भी बोल रहे हैं। देख मैं तो एकदम, भाई अभी तो मैं भाई कितना आप तो डेस्परेट पहले साउंड कर रहा हूँ, बट मैं ऐसा इतना डेस्परेट हूँ नहीं जितना आप लोग मुझे समझ रहे हो यार, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा भाई आप अपना हेयर कलर कौन सा कराते हो? हेयर कलर तो मैं नॉर्मली मेरा जो मतलब मेरे ब्राउन कलर के थोड़े थोड़े हेयर है, अभी शायद पता नहीं दिख रहे नहीं होंगे, बट मैं ऐसे कभी ऐसा कलर नहीं करवाया, ग्रे या ऐसा येलो टाइप ऐसा कुछ करवाया नहीं। कभी कभी थोड़ा सा मैंने बहुत पहले किया। लगता है फिर से फोन, तो फिर से फोन आया भाई ना, अरे समझ भाई क्यों गया आते फिर से फोन कर रहे? तो मैं ये बोल मैं जैन समझ मलिक का गया। जब हेयर स्टाइल आया था तभी मैंने किया था, ये साइड से कलर था देखो या ऐसे थोड़ा, अच्छा हाँ उतना ही किया था, उसके बाद मैंने कोई भी कलर नहीं किया हेयर को। मुंबई कब शिफ्ट होने वाले हैं आप? मुंबई तो मैं अभी लॉकडाउन के पहले ही हो रहा था मुंबई शिफ्ट, बट अभी लॉकडाउन की वजह से अभी देखते ही कब तक चलता है। तो फिर मैंने तो घर वर सब देख के, फ्लैट वगैरह सब देख के, हम लोग दो तीन फिर से फोन आया, फोन आया, फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का फोन आया। Somebody is saying कि मुझे पता है कि एजाज कहाँ से शॉपिंग करते हैं। अच्छा क्या बात है, हाय ज्योति हाउ आर यू। अरे अब फिर से फोन आ गया ना, मुझे लग अरे रहा है यार कि ये कहाँ भाई जाना हमको लाइव भाई। करने ही नहीं, मुझे लग रहा है अरे भाई हमको लाइव यार करने ही नहीं। मैं अभी अगर सॉरी अगर वो बंदा लाइव देख रहा होगा तो जानबूझकर फोन कर रहा हूँ, बट मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, सॉरी ब्रो आपको सबर नहीं हुआ, बट अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऑलराइट क्या क्या हमारी बात क्या चल रही थी पता नहीं, भूल गया मैं। हमारी बात चल रही शॉपिंग, शॉपिंग नहीं मुंबई, मुंबई कब जाने वाले? हाँ मुंबई, मुंबई का ऐसा था मेरा सीन, मैंने घर और सब देख के आया, हम 4-5 दोस्त लोग सब बाहर के, हमने एक साथ में शिफ्ट हो रहे थे तो, बट ऐसा आ गया माहौल अभी। हमने सोचे थे जनवरी में भी शिफ्ट हो जाएंगे, बट जब अभी सब ऐसा न्यूज आने लगी ये कोरोना वायरस ये समथिंग आने लगा तो थोड़े दिन हमने बोले थोड़े दिन रुक जाते हैं उसके बाद जाते, बट ये बढ़ते बढ़ते ऐसा चला गया कि इसमें 2-3 महीने चले गए। तो अब इंशाल्लाह ये जब ठीक हो जाएगा तो फिर उसके बाद भी मेरे को ऐसा लगता है कि 1 महीने तक शायद मेरे को घर वाले जाने नहीं देंगे, क्योंकि मुंबई में ज्यादा केसेस है इस चीज के। तो फिर देखते हैं अभी उसके बाद में खत्म होने के बाद में जाऊंगा इंशाल्लाह 1-1.5 महीने के बाद। मुंबई में कहां पर शिफ्ट होने वाले हो? ऑब्वियसली अंधेरी में ही रहूंगा क्योंकि सब वहीं पे काम तो वहीं पे रहेगा सब, तो अंधेरी में अंधेरे में बहुत लोग रहते यार। बहुत, और सब सब मतलब सब दोस्त लोग भी उधर ही आसपास, तो सबका मिलना जुलना तो होते रहेंगे मतलब आसपास में, तो फिर उधर ही जाऊंगा सब अंधेरी में। अच्छा एजाज भाई आप अपनी फैमिली में से किसी को भी दिखा सकते हैं क्या? बहुत सारे लोग बहुत जिद कर रहे हैं कि आप प्लीज अपनी फैमिली में से किसी को दिखवा दीजिए। अभी तो मेरी बहन आई थी वो चली गई नीचे, बट इधर बैठा है मेरा भाई, इधर आ जा थोड़ा लाइन में आ जा, भाई भाई को दिखवा दो, भाई से हाय बुलवा दो बस। छोटा भाई है मेरा ये, इधर आ जा।
बाल तो देख भाई, क्या नाम है आपका? सो गया था क्या? हेलो, हाय हाय, क्या नाम है भाई आपका? अरबाज। अरबाज? हाँ जी। अरे बड़े सलमान छोटे अरबाज, नहीं बड़े अरबाज छोटे सलमान, यहाँ थोड़ा उल्टा हो रहा है। बट नाम तो अलग। क्या करते हो भाई आप? क्या क्या करते हो आप? मैं कॉलेज। कॉलेज? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे यहाँ से दिखोगे तो आप उधर हो ना, तो मैं यूं होता जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आप वहां से दिखोगे। बोलना क्या? नहीं अरबाज भाई, क्या कौन से कॉलेज में हो? कौन से कॉलेज में हो? मैं इधर पे संगम में कॉलेज ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। क्या आप कौन से स्ट्रीम में कर रहे हो? बीकॉम में? हाँ बीकॉम में कर रहा हूँ। अरे ये सब बढ़िया है भैया, इससे ज्यादा नहीं। और साहिल भाई मैं तुमको एक बात बोलना चाहूंगा, मेरा ग्रेजुएशन हो गया है और ग्रेजुएशन के बाद मैं अभी मैं LLB में एडमिशन लिया था। मैंने LLB फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था मैं, बट अभी मेरे कुछ मन नहीं लग रहा था तो मैंने थोड़ा रेस्ट ले लिया है। बट मैं इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि स्टडी भी कंप्लीट करूँ, क्योंकि मेरे पास एक डिग्री रहेंगी LLB की, तो सोच रहा हूँ मतलब एक सब काम करने के साथ साथ मैं स्टडी भी कंप्लीट कर लूँ। तो फिर अभी उसमें नहीं, 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 अगर अगर आपका इंटरेस्ट है तो देखो जरूर करनी चाहिए। मेरा तो इंटरेस्ट था नहीं यार, फैमिली की वजह से। मैं डैडी को, मेरे को बहुत पसंद, डैडी को चाहिए था कि मैं जज बनूं, लॉयर भी नहीं डायरेक्ट जज बनूं। तो उसकी पढ़ाई तो भाई मैं तो शौक हो गया था, बट कोई ना, फिर भी फर्स्ट ईयर मैंने निकाल लिया। सेकंड ईयर में था, सेकंड ईयर में चार बैग थे, प्लीज ये घर पे बोलना मत क्योंकि घर पे पता नहीं है। तो मेरे सेकंड ईयर में चार बैग थे, तो पता नहीं अभी इंशाल्लाह मैं करूंगा कंप्लीट, डिग्री तो कंप्लीट करके रखूंगा इंशाल्लाह। नहीं नहीं डिग्री इंशाल्लाह आप जल्दी कंप्लीट करें और हम लोग जल्दी मिलेंगे आपसे, और तब तक के लिए खुदा हाफिज, ख्याल रखिए आप अपना, और बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे। बहुत जल्दी भाई, बहुत जल्दी इंशाल्लाह मिलेंगे। मजा आया आपको? मजा, बहुत मजा आया भाई, अच्छे से। अभी रियल लाइफ में मिलके भी हम ऐसे ही मजे करेंगे इससे ज्यादा, क्योंकि हमारी बनी है रियल लाइफ में और ज्यादा मजे करेंगे। हाँ वही तो, बनी है अच्छी अपनी कॉमेडी में एकदम। मिलते हैं जल्दी से भाई इंशाल्लाह। डन भाई, मिलते हैं, डन, ओके, अल्लाह हाफिज भाई। अल्लाह।